श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म काटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंसल। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण लगाया गया। इस अवसर पर टीकाकरण के प्रथम चरण के तहत अस्पताल के कर्मचारियों को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया। टीका लगाने के उपरांत कर्मचारियों को आधे घंटे निगरानी में रखा गया। टीका लगने के बाद कर्मचारी बड़े उत्साहित थे और खुशी जाहिर करते हुए लोगों से आग्रह किया गया कि ये टीका पूर्णतः सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। टीकाकरण के बाद लोगों से दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र पालन करने की अपेक्षा करते हुए मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने सहित सावधानी बरतने की बात कही गई। उन्होंने देश और मानवता को वैक्सीन देने वाले वैज्ञानिकों और इससे जुड़े व्यक्तियों को बधाई दी। वहीं BMO डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा के द्वारा बताया गया है कि यह एक बार टीका लगाने के बाद 28 दिन के अंदर में वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। एक व्यक्ति को 0.5 ml टीका लगाया जाता है। टीकाकरण केंद्र में वैक्सीनेशन में पूर्व प्रतीक्षा कक्ष में व्यक्ति को बैठाया गया। तदुपरांत पंजीकृत कर्मचारियों को मोबाइल पर आए मैसेज के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई। अस्पताल के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे और उत्साहित थे। आज कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, क्या कहना चाहते हैं सर? प्रथम चरण में जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकृत किया जा रहा है, उसी के तहत आज सोमवार दिनांक 25 जनवरी से CSC हनुमना में टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ पदस्थ सभी स्टाफ को टीकाकृत किया जा रहा है, जिसके लिए हमने पूरी तैयारियां व्यवस्थित की है। AEFI मैनेजमेंट किट है। कोई भी प्रतिकूल प्रभाव अभी तक ज्ञात नहीं है। सुबह 9 बजे से टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं आया। मेरा यही संदेश है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है और ये हमें सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।